अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यार ये बेसिकली एक प्रोडक्ट मंगवाया था जो लोग मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं और जो कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते, गोप्रो वगैरह या मोबाइल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कम खर्चे में मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो, बेहतरीन किस्म का ये प्रोडक्ट मंगवाया है। एक्शन प्रो के नाम से है, जिसमें एक मोबाइल होल्डर भी है साथ में। इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि भाई वही चीज़ है जो मंगवाई है, क्योंकि मैंने बहुत डर के मंगवाई। पहले मैंने ओपनली देखी है, ये बेसिकली मुझे सजेस्ट की थी हमारे एक लफंटर भाई हैं, 125 पे बड़े मज़े मज़े के व्लॉग बनाते रहते हैं, मोटो व्लॉगिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था सर्कुलर रोड से मिल जाएगी रावलपिंडी से, लेकिन वहाँ पर मैं गया, वहाँ से मुझे मिली नहीं और मुश्किल भी है ढूंढना। तो मैंने फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। बिल जी इसका बना था, जी इसका बना था बिल 1669 रुपये, ये बिल बना है उसका। बड़ी जल्दी डिलीवर हो गया, मतलब मैंने 2 या 3 दिन पहले ऑर्डर किया था और अभी मुझे ये डिलीवर हो गया। अभी इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर वही चीज़ है जो मंगवाई है या फिर हमारे साथ हाथ हो गया। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इसको ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ग्रिप वो हो गई। ये देखते हैं जी इसके अंदर, दुआ करो वही ये चीज़ हो जो मतलब हम चाहते हैं। बस इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके जो डब्बे के हालात है ना, मुझे लग रहा है कि अंदर जो भी होगा टूटा फूटा ही होगा। पर हम देखते हैं, आड़ो यार इसे। ये जी सबसे पहले ये ओपन करते हैं। नाइस, मतलब ये इसकी रबड़ हो गई है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये इसके साथ अटैच होती है ना भाई, तो इसको अटैच करो ना यार, क्या कर रहे हो? ठीक है, मतलब ये इसकी रबड़ आ जाएगी, पक्की है यार, काफ़ी मज़बूत है। ठीक है, ये ना हेलमेट के जो आगे जो हेलमेट का मुंह होता है ना, उस पर लगता है बेसिकली ये। इसके साथ साथ हमारे पास ये सेकंड चीज़ें आ जाती हैं। इसमें मेन चीज़ जो मुझे चेक करनी थी वो ये थी यार, सीरियसली मेरे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है यार, इसे रबड़ नहीं आती। मतलब बात वही हुई है कि जो मतलब बॉस की कंडीशन थी ना, मुझे लग रहा था कि भाई कोई ना कोई हाथ हुआ है इसके साथ, और वही बात हुई है। देखा अभी सारी चीज़ें इसकी बीच में लगी हुई चीज़ थी, लेकिन ये सारी बाहर पड़ी हैं, पता नहीं ये इसी तरह होती हैं क्या सीन है। लेकिन चलो ट्राई करते हैं, खुद ही लगाते हैं इसको अपनी तरफ से। ये हो गया अटैच, और इस साइड पे आई थिंक सो इस साइड पे भी होना चाहिए यार, कोई कोई ना कोई चीज़ तो इस साइड पे भी होनी चाहिए आई थिंक सो। या ये ऐसे ही आती है, क्या चक्कर है? चलो जिस तरह भी है, ये बेसिकली यूँ अटैच होगा और इसके ऊपर लगेगा कौन सा वाला, नहीं आई थिंक सो ये लग जाएगा, नहीं ये भी नहीं लगता। इसके ऊपर क्या लगता है भाई, व्हाट द फक यार, ये लगता है, नहीं ये भी नहीं लगता। इसके ऊपर क्या लगता है यार, ये लगता है शायद, यही लगता है, ये इसका जगह तो बनी हुई है। अच्छा ठीक है, इसमें ना मेरे ख्याल से ये नट लगता है। हाँ ये बेसिकली इसका जो पूरा वो है, और इसमें फिर लगता है आई थिंक सो, यार समझ ही नहीं आ रही क्या सीन है इसमें, देखना पड़ेगा एक बार हमें यूट्यूब पे खुद भी, फिर भी ट्राई करते हैं। बेसिकली मैंने प्रोडक्ट चेक करवाना था आपको कि प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट देखने में तो ठीक लग रहा है यार, वैसे कोई इतना माड़ा नहीं लग रहा, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। इसको जोड़ने में थोड़ा सा मसला होगा मुझे, क्योंकि ये अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे लगता है आई थिंक सो, और नहीं पहले ये लगता है आई थिंक सो मे बी। ये जो चीज़ है ना, हाँ ट्राई करते हैं जी आपके सामने, मैं भी पहली बार ही खा रहा हूँ, सो दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम। किस तरह लगता है भाई, क्या हो गया यार ये? हाँ ये चीज़ आई थिंक सो मैंने सही लगाया है, आई थिंक सो। हाँ इसमें अब लगनी है, इसमें अब लगना है इनमें से, और फिर ये इसके ऊपर ये लगता है, ये चीज़ ये तो लगा दिया हमने। आपकी प्रोडक्ट तो आपने देख ही दिया है सारा, ठीक है मैं ना एक बार इसको वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, उसके बाद मैं दोबारा एक वीडियो बना के ना आपको आपके साथ में शेयर करता हूँ। यार ये बेसिकली इसको मैंने लगा दिया है,
अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो तीन चार रह गए ना, इनका क्या फंक्शन है, लाइक इनका क्या फीचर है। ये एक क्लिप रह गया ना, अब मुझे इसका फीचर समझ नहीं आ रहा। ये कहाँ पर लगता है यार, शायद यहाँ पर लगता है। ये तो मुझे समझ आ रहा है कि ये तो चलो यहाँ पे लग रहा है। अब मुझे इसकी ये जो इसका लाइक एक्स्ट्रा पार्ट है, क्या चक्कर है, या इसकी में कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना इसमें, ठीक है। लेकिन ये अभी मैंने जो अटैच किया है ना, बेसिकली मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये पहले तो ये जो लाइक इसका जो ग्रिपर होता है वो भी, ठीक है, एक्शन प्रो का। उसके बाद मैंने ये लगा, अब ये यहाँ पे ना आपको ऊपर लग रहा है, लेकिन बेसिकली हम यो होते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। मैंने अभी बाइक पे बैठ के ना इसको चेक भी किया है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। अब इसमें मोबाइल लगाते हैं वगैरह, एक चक्कर लगाते हैं बाहर का। तो यार कल मैं सो गया था बेसिकली, तो फिर अभी मैं अभी निकला हूँ मैं ऑफिस से, तो मैंने कहा यार वो वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। ऑफिस में ही ना मैंने इसका फ्रेम वगैरह सेट किया और लाइक वो जो एंगल था मैंने सेट किया बड़ी मुश्किल से, दो तीन बार मैंने आगे चलाया बाइक चलाने के बाद ना, अभी जाके थोड़ा सा सही सेट हुआ, लेकिन अभी भी ना लेफ्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा कैमरा आ रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन बात व्यू की थी, व्यू कैसा आ रहा है, व्यू मेरे ख्याल से यार बहुत मज़े का आ रहा है। मतलब मुझे हल्का फुल्का स्क्रीन नज़र आ रही है ना, अभी हेलमेट मैंने पहना हुआ है तो मुझे इसमें ना हल्की फुल्की स्क्रीन नज़र आ रही है। और मैं ना इस टाइम हैंड फ्री यूज़ कर रहा हूँ, माइक यूज़ करूँगा तो मे भी साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। और बस ये सीन है। और 60 FPS में मैंने किया हुआ है कैमरा, 4K रेजोल्यूशन की हुई है। और इसको मैंने साथ में क्या किया हुआ है जी, 0.5 वाइड एंगल की हुई है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यार। मतलब मीटर वगैरह भी पूरा आ रहा है, और मुझे क्योंकि मेरे बिल्कुल मुंह के आगे कैमरा है ना तो मुझे नज़र आ रहा है सारा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसको ना थोड़ा सा मुझे डाउन करना पड़ेगा। मैंने ना जो क्या बोलते हैं इसका जो आगे ग्रिप थी ना, वो जो एक आगे जिसमें फ़ोन लगता है, वो मैंने ऊपर वाली साइड में लगाया था खुद। अभी उसको मैंने नीचे वाली साइड पर लगाऊंगा, नीचे वाली साइड पर लगाऊंगा ना तो मीटर और ज़्यादा नज़र आएगा और आगे से व्यू भी काफ़ी ज़्यादा वाइड आएगा। तो अभी व्यू आपके सामने ही है, बिल्कुल सही मज़े का आ रहा है। स्पीड वगैरह मैंने दी हुई है कि मतलब से मोबाइल गिरने के चांसेस नहीं है कोई भी, क्योंकि ये बड़ा पक्का है यार, बड़ा फिक्स हुआ हुआ ये, तो मोबाइल गिरने के तो कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो यही था यार, मेरा बाइक इतना महंगा नहीं है, मेरा मोबाइल ज़्यादा महंगा है, तो ये चक्कर है। बाकी वाइड एंगल पे देख लो यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी अभी सही फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब यार देखो कितना ज़्यादा एंगल व्यू कवर हो रहा है, फुल साइड है फुल। मेरे ख्याल से नॉर्मल भी रखूँगा ना तब भी अच्छा खासा, लेकिन वाइड पे ठीक रहेगा। क्योंकि गोप्रो पे जब आप वीडियो बनाते हो ना, गोप्रो पे उस पर ये ऑप्शन होता है, उस पर आपको वाइड एंगल मिल जाता है। आईफोन पे भी आपको मिल जाता है, आईफोन मेरे ख्याल से एक्स मैक्स जो है ना उससे स्टार्ट हुआ था, उससे नीचे शायद वाइड एंगल नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसमें वाइड एंगल आता है। और इसमें साथ इसमें स्मूथनेस आ जाती है। अभी बाइक नॉर्मली मेरा बाइक काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है और काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कैम वीडियो में आपको इतना फील नहीं होगा, ट्रैफिक वाला बच गया अभी हल्का सा, तो वीडियो में ना आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, वीडियो में आपको स्मूथ वीडियो नज़र आएगी। तो ये बेसिकली आईफोन की शशकें हैं। एंड्रॉयड वालों को थोड़ा सा मसला हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आईफोन वालों को ये मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा, बेहतरीन चलेगा। तो बाकी आवाज़ का मसला हो सकता है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही तो बाद में पता चलेगा। थोड़ा सा ना मैं इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो नॉइज़ होगा वो ऑफ़ कर दूंगा तो मेरी आवाज़ क्लियर हो जाएगी, तो वो भी इशू नहीं है इतना। तो बाकी यार व्यू आप लोगों के सामने है, कैसा व्यू आ रहा है ये बिल्कुल आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं मुकम्मल डिटेल आपको फिर बता देता हूँ। एक्शन प्रो भाई दराज पे सर्च करोगे ना तो 4.2 या 4.3 इसके रिव्यू आ रहे हैं, रेटिंग आ रही है, ये आपने परचेज़ कर लेना, ठीक है। सारे ही सही होते हैं लेकिन बस फिर भी डर होता है ऑनलाइन परचेजिंग का। लेकिन आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके या लाइक जो भी गिवन है यहाँ पे वो वहाँ पे आके मुझसे पूछ भी सकते हो कि भाई इंस्टाग्राम पे दानिश मोहम्मद दानिश सत्ती सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पे भी मैं आ जाऊँगा, बेसिकली कोई मसला नहीं है, फेमस बंदा हूँ यार, क्या हो गया। तो यहाँ पर अभी ना व्यू का मज़ा आएगा कि भाई व्यू कितना आ रहा है। तो ये देखो अभी ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसकी एंगल सेट करने वाली है, इसे इसकी एंगल थोड़ा सा ऊपर करते ताकि खाली सिर्फ मीटर नज़र आए और ऊपर से थोड़ा सा ना और, वैसे ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा ना और अगर नज़र आएगा ना ऊपर से और मीटर, ये नीचे से खाली मीटर नज़र आए। वैसे अभी मैंने चेक भी किया हाथ लगा के, पक्का है कोई गिरने छिरने वाले चांसेस नहीं है। अभी मेरा बाइक बहुत ज़्यादा उछल रहा है, बहुत ज़्यादा उछल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रोड ही गंदी है। लेकिन
वीडियो में इतने ज़्यादा नहीं आएगा, वीडियो में थोड़ा स्मूथ आएगा। रीज़न भाई वाइड एंगल आ रहा है, ठीक है, स्मूथ आ रहा है। तो बाकी यही सीन है यार, ये यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और फ़ायदा हो वीडियो से, मतलब कोई कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा मिले, तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, अदरवाइज ना किया करो, कोई मसला नहीं है। मैं वीडियो तब भी बनाता हूँ यार, तब तक किसी को कोई फ़ायदा हो, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता। तो चिल मारो, आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।